हाँ बीच बीच में देख ले, मेरे क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो मैं जब मौका मिलता बस तभी देख लेता हूँ। बाकी तो आपका क्या धारणा है क्राइम फ्री भारत मिशन और उसके द्वारा एनर्जी मॉडल के माध्यम से लोगों को चंद्रगुप्त बनाने का और फिर बिना पैसा खर्च किए विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का जो सोच है क्राइम फ्री भारत मिशन की, और इसके जी बाद 19 उद्देश्य जो है 19 ध्येय हैं मैं जिसके क्या लिए आपके कई मैसेज आगे बढ़ा देता हूँ। जी अब नहीं, मैं क्या घर से देखो बाहर भी नहीं आगे निकलता हूँ बढ़ाने आमतौर से काम पर, नहीं चलेगा राजन जी। या देखिए मेरे बस का नहीं बचा कुछ नहीं, भी आपके बाहर बस और का निकलता बहुत नहीं कुछ घर है, से आप बाहर। जो है बैठे हुए बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बहुत गेनफुली काम मेरा कर पाएंगे। मैं बहुत उसको सारे समझाता बिजनेस हूँ तो आपको, चला मुझे लेता मुझे हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी अस्वस्थता के बावजूद भी आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की बात करता हूँ, ठीक है ना। जी बताइए। देखिए देखिए, सब लोग आपका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये तो पता नहीं है, आप क्योंकि घर बैठ गए तो कोई पूछता भी नहीं है ना कोई बात नहीं का। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। अपन को ऐसा लगता है लोग बाग जो है इतनी चीजों में फंसे हुए हैं, उलझे हैं, लोगों ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आदमी अपने पेट के लिए जो है ना भी भरा रहता है, उसके पास अपने मित्रों को और अपने पुराने दोस्तों से बात करने का समय भी नहीं बचता है। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग बाग आपको नहीं जानते हैं, आपके प्रति रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट ये इसलिए है कि लोग बाग अपना पेट पालने के लिए इतने व्यस्त कर दिए गए हैं जिससे उन्हें देश की बात सोचने का समय ना मिले। ये भी एक राजनीतिक दुष्टता है, मतलब जी आपको इतना घेर लिया जाए कि आप उसी में अपना पेट पालने के लिए ही जो है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान ने आपको पेट पालने के लिए भेजा है क्या इस दुनिया में? सही आप इस बात दुनिया में आए क्यों हैं? मतलब आप, मतलब नॉट यू, मतलब एवरीबडी, ह्यूमन बीइंग जन्म क्यों लेता है? जी। क्या पेट पालने के लिए? सही बात है, नहीं लेता ना। नहीं लेता है। तो हमें इन लोगों ने घेर के ये लोग जो है ऐश करते रहे और ये भाषण देते रहे। मैं तो ये पूछता हूं कि जो भी आज एमपी एमएलए और मंत्री और मुख्यमंत्री है, उसकी शिक्षा सोच चरित्र ध्येय क्या है? वो हमारा एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? यदि वो कंपटीशन में बैठे तो उसे चपरासी की नौकरी भी ना मिले। तो जो व्यक्ति चपरासी की नौकरी नहीं पा सकता है, वो हमारा एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? और वो भी एक एक के बाद नहीं, तीन तीन चार चार बार। और जब वो दुष्ट हारे तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाए, और दुष्ट व्यवस्था जो है उसके अनपढ़ नौमी फेल बच्चे को उप मुख्यमंत्री बनाती है। हम लोगों को क्या हो गया है? और यही हो गया कि वोट तो जो है आदमी आंख बंद करके धर्म के नाम पर डाले जाता है। धर्म अरम छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं खुद को चंद्रगुप्त बना लीजिए ना, फिर आपको दूसरों को वोट क्यों डालना है? मैं आपको समझाता हूं, क्राइम फ्री भारत ने ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना, और ऐप के ऐप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उस ऐप डाउनलोड में कर रखा है, है? डाउनलोड करके रखा हुआ है आपका ये, लेकिन नहीं तो आपने मैं उसमें वही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं कर ही नहीं 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 पाता। नहीं आप वो ऐप की बात कर रहा हूं, ऐप में जो है अपना फोटो डाल के अपना परिचय के साथ उसे ऐड कर लीजिए, और जब समय मिलता है तो अपने लोगों को जोड़ना है। एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें 5 अंतःविधायें हैं और 16 बाह्यविधायें हैं। तो अंतःविधायें हैं, नंबर 1 खुद को जोड़ो, दूसरी अंतःविधा है अपने परिवार वालों को जोड़ो, तीसरी अंतःविधा है अपने मित्रों को जोड़ो, चौथी अंतःविधा है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, और 5वीं अंतःविधा है कि जो हमने ढेर सारे सर्कल्स होते हैं जो सोशल नॉन सोशल प्रोफेशनल जितने भी हैं, तो उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ो। तो ये 5 अंतःविधाएं हैं और 16 बाह्यविधाएं हैं। पहली बाह्यविधा है विद्यार्थी शिक्षकों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना। दूसरी बाह्यविधा है मातृशक्ति को जोड़ना, नारी शक्ति को जोड़ना, क्योंकि भारत में हमेशा नारी शक्ति की पूजा हुई है। जब भी भारत पे कभी कोई आसुरी शक्तियों का वो पड़ा है तो ये नारी शक्ति है जो देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करती है। तो नारी शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है, जो पंच सरपंच हैं, राइट, उनको भी जोड़ना है, क्योंकि पंच सरपंचों को ये तीसरे स्तर की सरकार ही नहीं बनने दे रहे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने, इनका कैडर गांव गांव तक पहुंच जाए तो गांव तक भी जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स पहुंचा दी,
जिससे गांव की एक रास्ता और जो सम रास्ता थी वो नष्ट हो गई है। ये इतने देशद्रोही, इतने सेल्फिश, इतने मक्कार राजनेता है, राइट। तो पंच सरपंचों को जोड़ने की विधा है, क्योंकि ये जो है पंच सरपंचों को काम नहीं करने देते हैं, उनके काम में इंटरफियर करते हैं, पॉलिटिक्स उनके ऊपर चलाते हैं, जो इनके फेवर का पंच सरपंच नहीं होता है उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कराते हैं, झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं, उनको बर्खास्त करा देते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? सही बात। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये संविधान के द्वारा पैदा की गई व्यवस्था है, ये तृतीय स्तर है सरकार का, ये सरकार है, वो किसी मुख्यमंत्री की मेहरबानी पे नहीं है। और संविधान ने ही उसमें व्यवस्था की है कि देयर इज ए स्टेट फाइनेंस कमीशन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द संविधान, इट इज ए संविधान का कमीशन है ये, जो कि राज्य के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिसोर्स को बांटने का काम करता है, जैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में रिसोर्स बांटने का काम नेशनल फाइनेंस कमीशन करता है। तो जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन है। तो पंच सरपंच जो है इन राजनेताओं की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए। तो तीसरी विधा है कि पंच सरपंच को जोड़ो और उसके माध्यम से हर ग्रामवासी को जोड़ने की कोशिश करो। चौथी विधा है कि इन सभी दुष्ट राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा बुरा किया है। आप ये बताइए, ये जो कार्यकर्ता जिनके कारण ये जो ना नेता बने हुए हैं, जिनके कारण ये एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा विश्वासघात तो अपने खुद के कार्यकर्ता के साथ कर रहे हैं। कोई ज्यादा पैसे वाला देने वाला मिल जाता है तो ये अपने अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो है ना अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, वहां के कार्यकर्ता जो है ना घास लेने जाए, हाँ ठीक राइट। आप ये बताइए, ये बाहुबलियों को और अपराधियों को टिकट देते हैं अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके, ये दल बदलुओं को टिकट देते हैं अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करते, और ये जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति इनके लिए चुनौती बन जाएगा। और यदि उन्हें समझ में भी आ जाता है कि साहब जो है ना ये योग्य है, तो नितिन गडकरी जैसा उसको किनारे लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी इज वन ऑफ द विजनरी जो देश की बहुत बड़ी समस्या, एनर्जी समस्या को जो है ना सॉल्व कर रहा है। जो उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो स्तुति योग्य है ही, लेकिन मैं उससे बड़ा जो है, अच्छा उससे बड़ा जो जो काम समझता हूँ वो एनर्जी सेक्टर में जो वो काम कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बहुत सारा पैसा एनर्जी को परचेज करने में, पेट्रोल और डीजल को खर्च करने में जाता है, दैट मनी हैज टू बी सेव्ड एंड मस्ट बी सेव्ड। हम क्यों जो है ना पेट्रोल से गाड़ियां चलाएं, जहां जहां जो है ना इतने सारे जानवर हैं, हम बायोफ्यूल का चला सकते हैं, मीथेन से चला सकते हैं, हमारे पास जो है ना पानी की कोई कमी नहीं है, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो ये दुष्ट नेता तो अपने काम में, अपने चीजों में फंसे रहते हैं, ये विजनरी काम करने का तो उनको समय ही नहीं रहता है। तो नितिन गडकरी एक विजनरी काम कर रहा था, मैं उसकी बड़ी सराहना करता हूँ। तो ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी में काम करते रहे, साथ में हमारे मिशन का हिस्सा बने। यदि चंद्रगुप्त बन गए तो बिना मांगे टिकट भी मिलेगा, मंत्री विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे, वो भी बिना खर्च। नहीं सही कर रहे हैं आप। तो आप ये देखिए, मैं एक आध दिन आपसे वो नीचे मेरे डॉक्टर के यहाँ जाना है। आप अपने अपना नंबर भेजिए, हम आपसे मिलने आ जाएंगे, आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं। तो ऐसी 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 जो है 16 विधाएं हैं और 16 ध्येय हैं। हम इस देश को पार्टी विहीन प्रजातंत्र देंगे, हम इस देश को जो है अपराध मुक्त भारत देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, जहां अपराध और भ्रष्टाचार करना का विकल्प नहीं होगा। मतलब आप सच्चरित होंगे, इस बात की आवश्यकता नहीं है। आप यदि अपराध करेंगे या भ्रष्टाचार कहेंगे तो 45 दिन के अंदर जेल पहुंच जाएंगे, अकाट साक्ष्यों के साथ सजा मिलते हुए, और वो भी बिना थाने जाए और वो भी बिना कोर्ट जाए। ऐसी पावरफुल। मैं आपको ना फिर फोन करता हूँ, फिर बात करता हूँ ना। चलो जरूर जरूर जरूर, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपसे मिलने आता हूँ। ठीक।
जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।